इस तरीके से ऐसे घूमोगे। माइक 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 का तार भाई 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 हेलो भाई लोग, कैसे हो? देखो भाई, घर का जो पोर्शन है ना, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा जगह है, और इसमें जो है अनबॉक्सिंग करना इतना टब बॉक्स का बहुत ही ज्यादा हाई वे होते। तो क्या बताऊं, डॉनिस का चेयर है भाई, गेमिंग चेयर है, और ये बिग बिलियन डे में खरीदा था। और कितने में खरीदा है? 16,999 रुपए में। और कितना ज्यादा डिस्काउंट है वो वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, बहुत ही सस्ते में मिला है। तो थक चुका हूँ क्योंकि भाई लगभग 23 kg इसका वेट है, और आज मैं इसका डिटेल में अनबॉक्सिंग के साथ रिव्यू करने वाला हूँ। हालांकि मैं अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा और मैं इंस्टॉलेशन भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये ब्रांड का खास ही है कि टेक्नीशियन आएगा इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये डॉनिस का है, हालांकि अमेजोन से मैंने इसको खरीदा है, और अमेजोन के डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा है दिस ब्रांड यूएसए, यानी ये यूएसए का ब्रांड है। तो जब मैं डॉनिस का ये वाला गेमिंग चेयर खरीदने से पहले सर्च किया था यूट्यूब पर, तो सारा कुछ जो है यूएस का वीडियो मुझे आया था। इंडिया का एक भी वीडियो और एक भी अनबॉक्सिंग या रिव्यू वाला वीडियो इस चेयर के अकॉर्डिंग मैंने नहीं देखा। तो मैंने सोचा कि चलो, बहुत सारे ट्यूटोरियल तो दूसरे ब्रांड का छोड़ते हैं, तो मैंने डॉनिस का ले लेता हूँ। और इसको लेने का खास वजह है, बहुत खास वजह है, और दाम के अकॉर्डिंग भी, और ये स्टील व्हील स्टैंड के साथ आता है, और इसका मॉडल क्या है। तो चलिए भाई, देख सकते हो भाई, डॉनिक्स LS6689SN मरून 40, ठीक है। और ये जो स्कैनर है, खरीदने के बाद आप इसको स्कैन करके इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन और क्या वारंटी रजिस्ट्रेशन और इंस्टॉलेशन को एक्टिव करवा सकते हो आने के लिए। तो चलिए इसको खोलते हैं, और क्या कुछ है आप लोगों को फुल गाइड करता हूँ। तो चलिए, फाइनली मेरे भाई गेमिंग चेयर इंस्टॉलेशन करने के लिए ये बंदे आ चुके हैं, अब चलिए इंस्टॉलेशन दिखाते हैं। तो मेरे भाई लोग, भाई साहब लोग आते ही काम वगैरह शुरू कर दिया, क्योंकि इसको करके और एक चेयर को अनबॉक्सिंग करके उसको फिट करने जाना है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस डॉनिस के चेयर के बॉक्स में क्या क्या रहता है। सबसे पहले बैकरेस्ट मिलेगा, और बैकरेस्ट का ये डिजाइन वगैरह काफी अच्छा रहता है। उसके बाद व्हील बेस मिलेगा, जहाँ पर पहिया यानी चक्का वगैरह फिट होता है, और ये व्हील बेस जो है फुल मेटल का है। और एक हेड पिलो रहता है, एक लंबर पिलो रहता है, और हेड पिलो पे और लंबर पिलो पे यहाँ पर ड्रोगो का ब्रांडिंग भाई आप लोग को दिखेगा। और लंबर पिलो पे इसमें एक टेक्नीशियन फीचर भी है, यानी बैक मैसेजर्स, जो पावर बैंक से आप कनेक्ट कर सकते हो। और एक बैठने के लिए सीट है जो काफी ज्यादा मुलायम रहेगा, और दो एडजस्टेबल 4D आर्मरेस्ट यानी दो हैंडरेस्ट है, और एक फुटरेस्ट भी देखने को मिलेगा, और कुछ असेंबली पार्ट्स देखने को मिलेगा, जिसमें एक ब्रेसलेट है जो चेयर के नीचे फिट होता है, जो मल्टीफंक्शन टिल्ट मैकेनिज्म का काम करता है। रेनफोर्स नायलॉन बेस व्हील्स है, जो मैक्स टू मैक्स 135 kg तक का वेट हैंडल कर लेगा ये। और इसके साथ मल्टीपल पार्ट्स असेंबली करने के लिए एलन की विथ स्क्रूज मिलेगा, और इसमें एक SGS सर्टिफाइड वाला हाइड्रोलिक गैस सिलेंडर रहेगा, जो चेयर को अप एंड डाउन करने के लिए बहुत ही स्मूथली काम करेगा। और कुछ पार्ट्स को ढकने के लिए कवर्स वगैरह मिलेगा, और लास्ट में सबसे खास इसका यूजर मैनुअल, जो भाई नहीं होगा तो आप खुद से चेयर को इंस्टॉल कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस यूजर मैनुअल पे असेंबली की पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो चलिए, अब अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसका फिटिंग वगैरह कैसा होता है मैं आप लोगों को डिटेल में गाइड करता हूँ। सबसे पहले एक भाई साहब ने बैकरेस्ट को जो है मेरे गद्दिया के ऊपर रखा है, और ये भाई साहब जो है व्हील बेस को फाड़फोड़ने लग गया है, क्योंकि व्हील बेस का काम सबसे पहले ये करेगा। और ये भाई साहब जो है ये रैपिंग वगैरह हटा रहा है, और ये मल्टीफंक्शनल टिल्ट जो है ये निकल गया है, इसको काम करने लगेगा। और ये है हाइड्रोलिक गैस सिलेंडर जो कि ये फिट होगा, और ये है चक्का जिसको कहता है व्हील्स वगैरह, जो कुछ भी हो फाड़ दिया। और हेड फिलो ये फाड़ रहा है, अभी सब जो है रैपिंग वगैरह उठा लिया है। तो चलिए इसको फिटिंग वगैरह करने तक हम लोग देख लेते हैं, और बहुत ही सब कुछ मुलायम है। और ये जो है हैंड रेस्ट वगैरह यानी आर्म रेस्ट 4D वाला, ये जो दोनों है, ये दोनों जो है एडजस्ट कर रहा है, और एल एन के साथ ये स्क्रू वगैरह। और ये एक बात बोल दूँ भाई, ये व्हील बेस जो है फुल्ली स्टील का है, यानी मेटल का है, और ये फुट रेस्ट है, फुट रेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और एक कवर वगैरह है हाइड्रोलिक गैस सिलेंडर में जो लगेगा, ठीक है। तो चलिए, सब कुछ जो है इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया है, हम लोग देख लेते हैं अच्छे से फिट कर रहा है व्हील बेस। देखो भाई, एक एक स्क्रू जो है कितने ध्यान से लगा रहा है व्हील बेस का नीचे का, और ये जो है बैकरेस्ट का ये भी स्क्रू खोल रहा है ताकि अच्छे से फिट हो। तो
तो ये देखो लगभग जो है व्हील बेस जो है ये हो चुका है, अब चक्का वक्का फिट करके काफ़ी सारा लग रहा है। अब जो है इसके ऊपर जो है हाइड्रोकॉलिक गैस सिलेंडर बैठा दिया, उसके बाद हाइड्रोकॉलिक गैस सिलेंडर के ऊपर ये कवर भी बैठा दिया। और ये मल्टीफंक्शनल टिल्ट मैकेनिज्म जो है लुकिंग लाइक ये बटरफ्लाई जैसा लगता है, ठीक है। अब जो है बैकरेस्ट पे जो है ये मैकेनिज्म वाला टिल्ट जो है बिठा रहा है, अच्छे से फिट कर रहा है। और ये बैठने के लिए जो सीट है इसके ऊपर मल्टीफंक्शन टिल्ट मैकेनिज्म ये पार्ट्स जो है अभी फिट हो रहा है। और स्क्रू से अच्छे से भाई साहब लोग टाइट करवा दे रहे, आप लोग अच्छे से टाइट करना क्योंकि टाइट से ही सब कुछ बनता है, नहीं तो चेयर जो है कैं कूं ऐसा तरीके से आवाज करेगा। अब जो है अच्छे से फिट हो रहा है, फिट होने दीजिए। और ये भाई साहब सोच में पड़ गए हैं, यूजर मैनुअल को देख रहे हैं अच्छे से, तो देखो भाई देखो अच्छे से देखो। अब जो है हैंड रेस्ट यानी 4D वाला आर्म रेस्ट दोनों साइड पे जो है अच्छे से फिट कर रहा है, ये बहुत ही एक फंक्शनल है। नट बोल्ट स्क्रू अच्छे से टाइट कर रहा है, आप लोग देख पा रहे हो नीचे से ऊपर तक सारा कुछ दोनों मिलकर अच्छे से काम कर रहा है। बहुत टाइम लगा भाई, तो आप लोग ध्यान से देख लेना, मेहनत तो है भाई ये चेयर को फिट करने के लिए। अच्छे से देख लिया ताकि अप डाउन नहीं होता है। और ये फिर से यूज़र मैनुअल जो है घाटने को लगा है भाई साहब ने, क्योंकि यूज़र मैनुअल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। अब जो है चेयर को अप डाउन करने के लिए या चेयर को रिक्लाइन करने के लिए जो कवर वगैरह है वो लग रहा है यहाँ पर। लगने के बाद ये फुट रेस्ट पे काम चल रहा है अभी, फुट रेस्ट आई थिंक फिट करेगा। ये फुट रेस्ट का रॉड जहाँ पर घुसेगा ये दोनों जो है दो साइड पे लगा दिया। अब फुट रेस्ट भी यहाँ पर एंट्री कर दिया। अब जो चेयर को 180 डिग्री तक रिक्लाइन करने का और अप एंड डाउन करने के लिए जो कवर वगैरह स्प्रिंग का जो कवर है वो जो है यहाँ पर लगा रहा है, अच्छे से फिट कर रहा है ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ये फिट करने के बाद अब जो है बैक रेस्ट यहाँ पर बिठाया और बैक रेस्ट को जो है अच्छे से नट बोल्ट से जो उसका प्रेशर राइट वाला जो सपोर्टर है वहाँ से फिट कर दिया, अच्छे से फिट कर दिया। फिट कर रहा है, फिट कर रहा है, हाँ फाइनली हो चुका है, कवर वगैरह लगा दिया फिट करके। अब ये छोटा सा हेडरेस्ट को लगा रहा है जो कि आपके गर्दन के साइड पे माफिक बैठेगा, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना इसको, ठीक है। और ये बैकरेस्ट का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये लेदर राइट है, लेदर राइट डिज़ाइन है यानी ओरिजिनल लेदर नहीं है, जो कि फॉर्म लेदर वगैरह कहता है, सिंथेटिक लेदर वो वगैरह है इसमें, ठीक है, जो कि सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल से बनाते हैं इसको। भाई साहब ने देखा कि फुटरेस्ट जो है उल्टा कर दिया, अब इसको खोल के फिर से सीधा करके लगा रहा है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो है चेयर जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब ये ख़त्म करके भाई साहब लोग बाय बाय टाटा कर दिए, तो चलिए अब अपना काम जो है शुरू होता है। फाइनली भाई लोग हमारा डोमिस का चेयर जो है पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये देखो मेरे भाई लोग, ये है वो चेयर जो कि वाह। तो यहाँ पर डोडो बैठेगा, डोडो बैठेगा, चल बैठ जाएगा यहाँ पर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पीछे करके, पीछे करके बैठ जा, चल बेटा आ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो डोडो को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आ जा बेटा आ जा, चलो चलो कोई बात नहीं, चलो उतर जा बाद में बैठना। तो मेरे भाई ये चेयर तो पूरे तरीके से इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल गाय सब लोग चले गए हैं, आप लोग देख सकते हो कितनी खास लगता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप लोगों को चेयर देखने को मिलेगा, ये टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा उठा दे भाई, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ठीक है देखने पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा लगता है। आप यहाँ पर बैठेंगे और थोड़ा बहुत फीचर्स इसका आगे पीछे वाला किया, कुछ फीचर्स है इसका मल्टीफंक्शन वाला वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या हालचाल है, कैसा लग रहा हूँ? इस तरीके से ऐसे घूमोगे? वाह, माइक 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 का तार, माइक का तार भाई। तो मेरे भाई मेरा तो गेमिंग चेयर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, माँ गजम बहुत थक गया हूँ यार, इंस्टॉल नहीं किया लेकिन भाई हेल्प बहुत किया,
यानी ट्यूटोरियल से लेकर वीडियो शूट से लेकर आप लोगों को दिखाना था और कैमरा वो तो किया भाई, हाथ बहुत ज्यादा दुख गया और इंस्टॉलेशन गाय को भी हेल्प किया, ये दो वो दो ये दो आप लोग वीडियो में देख ही चुके हो। तो मेरे भाई लोग ये बहुत ही अच्छा एक चेयर है। सबसे पहले ये जो दो दिख रहा है ना मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये देखो एक है हेडरेस्ट एक है लुम्बर पिलो, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, नेक सपोर्ट बैक सपोर्ट और वेस्ट सपोर्ट जो कि इस तरीके से हम लोग इस तरीके से आराम करते हैं ना, ये बहुत ही सटीक रहता है। और इसका मल्टीफंक्शनल टिल्ट मैकेनिज्म से ये चेयर जो है 180 डिग्री तक भाई ये सुला देगा आपको। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं भाई यहाँ पर बैठा, ठीक है, यहाँ पर बैठा मैं, आप लोग देख सकते हो मेरा रूम इतना छोटा है ना भाई, कैमरा दूर करूंगा तो कैमरा से बाहर हो जाऊंगा और पास आऊंगा तो कैमरा में भी नहीं आऊंगा, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये जो मल्टीफंक्शनल टिल्ट मैकेनिज्म है जिसका हैंडल इधर है इधर इधर रहता है, ठीक है, ये 180 डिग्री तक आएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से करना है, इस तरीके से लेट जाना है, लेट जाना है, लेट जाना है। ओह शिट भाई, बहुत ही डर लग रहा है भाई, क्योंकि रूम छोटा है, गिर जाऊंगा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरीके से सुलाता हूँ, इसको कर देना है आहिस्ता से, इसको कर देना है बस। ये देखो भाई, अब देखो एकदम सोते हुए चांदनी चौक हो गया है, देखो भाई देखो, ठीक है। और इसका जो है फुट रेस्ट को कैसे बाहर निकालना है वो भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से नीचे से फुट रेस्ट आएगा, आ जा बेटे, इस तरीके से आएगा, ये देखो। अब फुट रेस्ट देखो भाई कैमरा में नहीं आ रहा है, तो इसको पहले थोड़ा सा उठा देता हूँ, बस ये देखो फुट रेस्ट। तो मैं चढ़ के यहाँ पर सारा कुछ फुट रेस्ट वगैरह की आराम वगैरह दिखा देता हूँ मैं। ये देखो मेरे भाई, ये देखो फुट रेस्ट इस तरीके से आराम होगा, ये देखो इस तरीके से। मेरा थोड़ा ही तो नहीं देख पा रहे हो, अब दिखाई दे रहा है ना भाई, इस तरीके से। तो इस तरीके से भाई आप आराम कर सकते हो अपनी फुट रेस्ट को, इस तरीके से आराम से, जैसे मान के चलो हम लोग सिनेमा हॉल में पैर चढ़ा के कुछ ऐसे हाहाकार मचाते हैं उस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आराम कर सकते हो। फुट रेस्ट को पहले घुसा देता हूँ। अभी इसका और एक फीचर्स मैं दिखा देता हूँ, SGS सर्टिफाइड वाला गैस सिलेंडर का काम क्या है। जैसे कि ये इसका हैंडल है, जैसे मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये इसका हैंडल है। तो आप अगर इसको ऊपर खींचोगे थोड़ा सा, पहले इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता, आप इसको ऊपर खींचोगे तो देखो देखो डाउन हो गया, कितना आसान है, कितना आसान है। अब इसको ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ऊपर खींचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखो हो गया, एक आवाज आएगा ना उस तरीके से, बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। अब और एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये 4D आर्म रेस्ट, ठीक है, ये अप डाउन होगा, आगे पीछे होगा, लेफ्ट हैंड राइट होगा, मूव करेगा, ठीक है। इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो मेरे भाई लोग देखो यहाँ पर एक बटन है, इसको अगर आप ऐसे प्रेस किए और ऊपर उठाए, देखो ऊपर उठ गया है, इसको प्रेस किए नीचे ना आओ, नीचे उतर गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विच है, इसको अगर प्रेस किए, इस तरीके से प्रेस किए, आगे चला गया है, देख सकते हो आगे चला गया है, इसको प्रेस किए पीछे चला गया है। अब आसानी से आप इसको राइट स्टे उसके बाद लेफ्ट ये सारा कुछ कर सकते हो, और ये दोनों में ही भाई कंफर्टेबल है। इस तरीके से आप करो और इस तरीके से उठाओ, इस तरीके से कंफर्टेबल हाथ को रखो। तो मेरे भाई लोग कितना आसान रहता है। तो ये तो बहुत मुझे खास लगा भाई, मेरे को एक गेमिंग चेयर चाहिए था और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। और इसका डिलीवर होने तक आज तक का मैंने इसको बिग बिलियन में खरीदा है, और हालांकि बिग बिलियन का प्रेशर बहुत ही ज्यादा काम, उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल, उसके बाद दुर्गा पूजा गया, अब दिवाली आने वाला है, और मैंने इतने देर क्यों लगाया इसको मैं ये भी आप लोग को बताता हूँ। ये जो है लुम्बर सपोर्ट है ना, तो भाई इसके वजह से। तो इसका क्या हिस्ट्री है, इसको अलग एक ट्यूटोरियल में कवर करूंगा। हालांकि ये डाउनिक्स ये गेमिंग चेयर बहुत ही अच्छा गेमिंग चेयर है, हालांकि ये यूएसए अदर्स कंट्री में ये बहुत ज्यादा बिकता है। मैं सब लोग को सजेस्ट करूंगा आप इस गेमिंग चेयर को लो, और ये बहुत ही अच्छा गेमिंग चेयर है, और हालांकि कई ब्रांड से तो अच्छा है, क्योंकि इस प्राइस से ज्यादा दाम पर आपको कोई और गेमिंग चेयर मिल जाएगा। और ये फॉक्स लेदर वाला, देखो भाई लेदर राइट यहाँ पर पूरे कवर है, ठीक है, ये फॉक्स लेदर राइट कवर है। और इसका जो व्हील स्टैंड है वो और भी ज्यादा खास है भाई, पूछो ही मत, वो मेटल का है, स्टील का है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। और इसका और एक फीचर्स है, और एक फीचर्स क्या है तो चलो वो भी देख लिया जाए। तो मेरे पास है ये मेरा फ्लिक्स का पावर बैंक, ठीक है, जो कि मैंने 2 साल से काफी ज्यादा इसको यूज कर रहा हूँ, जतन में रखा हूँ, इसलिए नया है। अगर थकान दूरी करना है तो ये मसाज भी आप लोगों को करवाएगा। कैसे करवाएगा तो चलो देख लेता हूं मैं। ये है इसका केबल, ठीक है, लुम्बर पिलो में ये मसाज का फंक्शन है, ठीक है, ये इसका केबल है। तो केबल को जस्ट यहां पर प्लग करना है, ठीक है, और पावर बैंक को मैं ऑन कर देता हूं। अब यहां पर मैं बैठ जाता हूं। ओहो भाई भाई कैसा वाइब्रेट हो रहा है, आप लोगों को साउंड भी सुना देता हूं माइक से, देख लो।
भाई डेंजर है, डेंजर है। तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। और सबसे अच्छा क्या लगता है पता है, सब जगह पर जो है डाउनिस का ब्रांडिंग लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर है, लुम्बर पिलो पे है, हेडरेस्ट पे है, सीट में है, सारा कुछ में है, नीचे पर भी है डाउनिस लिखा हुआ है। ये अलग ही लग रहा है, गुदगुदी सा फील हो रहा है, इसको बंद कर देता हूँ पहले। और भाई आप लोग अगर इसके ऊपर और एक कोई क्वारी रहे तो प्लीज यार कमेंट्स में मुझे कह देना, और इसके ऊपर और एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा अगर आप लोगों का डिमांड रहे तो, अगर नहीं डिमांड रहे, अगर मेरा मन चाहे तो बना दूंगा, क्योंकि ये चेयर बहुत ही खास है दूसरों ब्रांड के अकॉर्डिंग। भाई एक बार विश्वास करके देख लो, आप अगर इस चेयर को बाय करना चाहते हो मेरे वीडियो को देखकर, अगर पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। अमेजोन का सेलर ये बहुत ही अच्छा सेलर है, और हाँ एक साल का फुल्ली जो है यहाँ पर वारंटी भाई आप लोगों को देखने को मिलेगा, वारंटी एक्सटेंड भी करवा सकते हो सेलर से बात करके, बहुत ही अच्छा है, 24 आवर्स जो है कस्टमर सपोर्ट करता है, चेयर खरीदने के नेक्स्ट डे ही आपको जो है इंस्टॉलेशन करवा देगा। लेकिन मेरा इंस्टॉलेशन इतना देरी किस लिए हुआ, क्योंकि भाई दुर्गा पूजा के सेल में मैंने बाय किया था द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील्स में, जो कि 2024 का दुर्गा पूजा था, और पूजा में जो है सब कुछ बंद रहता है। उसके बाद जब आना चाहा तो मैं दूसरे काम पे बिजी था, इसलिए मैंने खुद मना कर दिया और मैं कल को इसको आने के लिए बोला। तो ये था हिस्ट्री, और बाद बाकी आप लोग की मर्जी। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप सभी जो गेमिंग चेयर्स लवर्स है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को अगर थोड़ा बहुत पसंद है तो प्लीज मेरे भाई लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, वीडियो को चार बार के अपने दोस्त फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे दिख रहे उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस मिल रहे। तो फिर मिलते कल और एक 2020 लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।